हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल देसी तड़का में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वैसे तो गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं और गर्मियों में मन करता है कि कुछ ठंडा ठंडा खाने पीने को हो, लेकिन हर समय भी ठंडा पिए कब तक खाए पिए, तो कुछ अलग से खाने का भी मन करता है कभी कभार। तो उसी के लिए मैं आज एक आपके पास रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे आपने मार्केट में समोसे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन मैं आपको आज दूसरी तरीके का समोसा बनाने जिसे मैं बनाऊंगी, तो उसको पॉकेट समोसा कहते हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं पॉकेट समोसा बनाना। तो उसके लिए लिया मैंने ये 1 कप मैदा, 2 हरी मिर्च लिए, 1 छोटा सा प्याज लिया है और 4 लिए मैंने आलू। तो ये 3 से 4 आलू ही इस कप में इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले हम मैदा का एक अच्छा सा डो बना लेते हैं और आलू छील के रख लेते हैं। तो मैं इनको छीलूंगी क्योंकि ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, हमें इसमें उबले हुए आलू ही चाहिए। तो मैंने ये उबाल के रख लिए हैं, अब इनको मैं छील के रख लूंगी और मैदा का एक डो बना लूंगी। तो इसके लिए ले रही हूँ मैं ये थोड़ी सी अजवाइन और इसको हम हथेली से मीट के डालेंगे इस तरीके से, और स्वाद के अनुसार लेंगे इसमें नमक, क्योंकि हमें इसकी स्टफिंग में भी नमक लेना है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ही नमक लूंगी। और इनको कर लेंगे मिक्स। अब लेंगे इसमें हम ऑयल, तो ऑयल लेंगे मैं इसमें 3 से 4 चम्मच। अब इसे हम कर लेंगे मिक्स। तो इसे कर लेंगे सभी को अच्छे से मिक्स। अब इसमें अजवाइन की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए ही हम अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालते हैं। तो अब इसका एक अच्छा सा डो बना लेते हैं। डो हमें ज्यादा पतला या ज्यादा टाइट नहीं बनाना, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसका एक डो बना लूंगी। तो ये हमने एक डो तैयार कर लिया। ये देखिए, ये बस इतना ही सख्त है, बहुत ज्यादा सख्त नहीं है। अब इसे रख देते हैं साइड और देखते हैं अपने आलू। तो ये हमने आलू छील लिए और मिर्च को बारीक काट लिया है, प्याज को भी मैंने बारीक चॉपर से चॉप कर लिया है। अब लेते हैं आलू को मैश कर लेते हैं। तो आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब लेंगे इसमें मसाले, इसमें लिया है मैंने ये चाट मसाला, स्वाद के अनुसार लिया है मैंने मिर्ची पाउडर और लिया है इसमें नमक, थोड़ा सा लिया है मैंने ये काला नमक। काले नमक से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और थोड़ा सा ले ली मैं सफ़ेद नमक, क्योंकि नमक हमने मैदा को गूंदने में भी डाला है और ये मैंने आलू की स्टफ में भी डाला है। तो इसे कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अभी तैयार हो चुका है, अब इसकी बना लेते हैं हम छोटी छोटी सी गोली, ये इस तरीके से आराम से ये बन जाएगी। ये देखिए, ऑयल में रख लेते हैं एक प्लेट में। तो ये हमने आलू की गोलियां बना ली है और ये हमारा डो तैयार है। अब इन दोनों को रखते हैं हम साइड। अब ये लेते हैं हम थोड़ी सी मैदा, ये हमने मैदा लिया है इसमें, और इसमें डालते हैं हम ऑयल और इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। तो ये हमने एक पेस्ट तैयार कर लिया है, इसे रखते हैं साइड। अब ये 1 चम्मच मैदा हमने और लिया, अब इसका हम घोल बनाएंगे। तो घोल हमें सिर्फ उसको जो हम समोसा बनाएंगे उसके साइडों को बंद करने के लिए चाहिए। तो हमने बना लिया है घोल, क्योंकि जो हम पॉकेट समोसा बना रहे हैं तो उसकी साइडें बंद करने के लिए हमें ये चाहिएगा। अब बस तब बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने अपने डो को और थोड़ा सा इस तरीके से मिड़ के स्मूथ कर लेना है। ये देखिए, ये हो गया स्मूथ। अब इसको हम छोटी छोटी इसके पेड़े काट लेते हैं। तो हमने ये लिया है, इसके हम बनाएंगे 4 पेड़े, ये इस तरीके के। तो इसे हम कट कर लेंगे और ये पेड़े हमें 1 साइज के ही बनाने हैं। अब लेंगे इनमें से 1 पेड़ा, इसे कर लेंगे हथेली से गोल
तो ये हमने चारों अपनी जैसे रोटी की हम लोई बनाते हैं उस तरीके से हमने बना लिया। अब इनको हमें चारों को अलग अलग बेल लेना है, तो इनको तीन को रखते हैं साइड और एक को हम बेलना शुरू करते हैं। तो ये हमने इस तरीके से चार रोटी बेल लिए, अब इनको रखते हैं साइड में और लेते हैं अपनी एक रोटी और इस पे जो हमने ये पेस्ट बनाया था इसको लगा देते हैं। तो हमने जो पेस्ट लिया बनाया था इसको हमने इस पे इस तरीके से लगा देना पूरी रोटी पे। अब इसके ऊपर रखेंगे हम दूसरी रोटी इस तरीके से और ये हमें दोबारा इसी तरीके से पूरी रोटी पे लगा देना। अब दूसरी पे लगा दिए, इसके ऊपर ये तीसरी रोटी रख देते हैं और ये इस पे भी लगा के हम चौथी रोटी अपनी रख देंगे। देखिए इस तरीके से अब ये हमने चारों रोटी अपनी ये देखिए इस तरीके से चिपका दी। अब इसको हम फैला लेते हैं, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगा के भी इसे फैला सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे भी फैल जाएगा। अब ये हमने इसको अच्छे से फैला लिया, अब इसकी हम साइडें निकाल देते हैं इस तरीके से, चारों तरफ से हम साइडें निकाल देंगे और इनको भी हमें फेंकना नहीं है, ये हम ऐसे इसके नमक पारे बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का हमें मिल गया है चौकोर, तो इसमें से करेंगे हम ये दो पीस और इसी तरीके से करेंगे हम इधर से भी, ये बन गया। अब ये जो इसकी लाइनें हैं इस पे हमने जो ये पेस्ट बनाया है तो ये हमने इस तरीके से कट कर लिया। अब लेते हैं हम जो हमने आलू की गोल बॉल बनाई है इसको रखते हैं इस पे और इसके चारों तरफ लगा देते हैं हम जो हमने ये गोल बनाया है इस तरीके से, जिससे कि ये अच्छे से बंद हो जाए। और इसे लेंगे हम ये हमें इस तरीके से कर देना है बंद और ये करना है इस तरीके से बंद। तो ये जो हमने इसका घोल लगाया है ये यहाँ इस तरीके से बंद करने के लिए लगाया है और ये देखिए ये हो गया अच्छे से बंद। तो ये बन गई हमारी पॉकेट समोसा। तो इसी तरीके से हम सभी को बना लेते हैं और गैस पर रख देते हैं ऑयल गर्म होने के लिए। तो मैं फिर आपको दोबारा दिखाती हूँ। तो ये रखते हैं हम आलू बॉल और ये हमने जो घोल बनाया है वो लगा देते हैं इसकी किनारियों पे इस तरीके से। आप चाहें तो इसे हाथ से भी इस तरीके से लगा सकते हैं, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं आप ऐसे लगा सकते हैं। अब इसको उठाएंगे हम, ये कर देंगे बंद और इसी तरीके से करेंगे हम इस साइड से बंद और ये दबा देंगे अच्छे से, इसे प्रेस करना जिससे कि यहाँ से इसका मुंह खुले नहीं। और फिर कर देंगे हम इसको यहाँ पे बंद और ये चारों हम फिर दबा देंगे। तो ये देखिए फिर हमारी एक और पॉकेट बन गई, ये देखने में देखिए कितनी सुंदर और कितनी बढ़िया लग रही है। तो चलिए इसी तरीके से हम सभी को भर लेते हैं। तो हमने ऑयल गर्म होने रख दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये डालेंगे पॉकेट समोसे बिल्कुल धीरे धीरे से, देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हमें जब इसका कलर ऊपर से इस तरीके का आए तब हमें ये पलट के सेक देने हैं, जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी ये पॉकेट समोसे किधर से भी खुले नहीं। तो बस इन्हें इस तरीके से पलट पलट के आप सेक लें, एकदम खस्ता करारे होने तक हमें ये सेक लेने हैं। और गैस का फ्लेम हमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने सबसे पहले छोड़ा था कढ़ाई में, तो ये इस तरीके से सिक चुका है और इसका मुंह भी देखो चारों तरफ से
बिल्कुल बंद है। तो हमें इसी तरीके से ये सारे सेक ले रहे हैं और ये हमारा सिक चुका है, तो इसे हम साइड में निकाल लेते हैं। तो बनके बिल्कुल तैयार है हमारे पॉकेट समोसे। देखिए ये मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ, ये कितना अच्छा और कितना बढ़िया एकदम सिका है करारा। अब इसे हम सर्व करते हैं। तो मैंने इसे ग्रीन और रेड चटनी के साथ सर्व किया है। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको कि ये अंदर से कितना अच्छा है। और देखिए ये है हमारा स्टफ समोसा, ये देखिए ये कितने आराम से एकदम खस्ता हुआ बना है। और इसकी स्टफ दिखाती हूँ आपको, ये देखिए पूरी स्टफ इसमें अच्छे से भरी हुई है। और ये देखिए कितनी जल्दी और अच्छे से बन गया है, इसमें कोई झंझट नहीं, आराम से इसे आप बना सकते हैं। तो इसे घर पे जरूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।